तो चलिए अब हम जिस चीज को हमने डिस्कस किया है, वेरियस ऑर्गेनिज्म, उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उनके हैबिटेट और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिस पर हमने डिस्कस किया है, उसी से संबंधित क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैच द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारा टारगेट है अर्थवर्म, सेंटीपीड, प्रॉन एंड फ्लैटवर्म। अब आप ये कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है उसमें सेंटीपीड का नाम नहीं दिया है, प्राण का नाम नहीं दिया है, उसने फ्लैटफॉर्म तो बताया है, अर्थफॉर्म तो बताया है, लेकिन इनका नाम नहीं दिया है। अब इससे किस तरीके से हम क्वेश्चंस का आंसर हम निकाल सकते हैं? तो आपको पता है कि उसने इंसेक्टा का नाम दिया, उसने क्रस्टेशिया का नाम दिया है। इस बेसिस पर आपको देखना होगा कि ये सेंटीपीड कहां पर जाता है। सेंटीपीड आप जानते हैं इंसेक्टा का मेंबर है, तो अगर उसने इंसेक्ट्स के बारे में बोल दिया तो अपने आप समझ लीजिए उस बेसिस पर, उस आधार पर अब आपसे क्वेश्चन एनिमल किंगडम से भी लिंक करके पूछा जा सकता है। तो इसलिए सेंटीपीड किसका एग्जांपल हो गया? इंसेक्ट, इंसेक्टा का, है ना? तो ये आपका हो गया इंसेक्टा का मेंबर। अगर प्रॉन की बात करते हैं तो ये क्रस्टेशिया का मेंबर हो गया आपका। फ्लैटवर्म्स यानी अब आप बात करें प्लैटिहेल्मिंथीज की, तो वो है आपका यहां पर फ्लैटवर्म्स के रूप में एक रिप्रेजेंटेटिव। एनलिट्स के रूप में अर्थफॉर्म का इसने नाम दे दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे सीधे सीधे वो सवाल पूछें, आपसे एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स देकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जांपल के रूप में एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है वो एनेलिडा का नाम मेंशन किया, इंसेक्टा का नाम मेंशन किया, क्रस्टेशिया का नाम मेंशन किया, उसने प्लैटिहेल्मिंथीज का नाम मेंशन किया। तो इस बेसिस पर अब आपको अर्थफॉर्म के लिए, अब एनेलिडा के लिए क्या होगा, एनेलिडा का एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है? तो हमने टेबल में देखा था एनेलिडा के लिए नेफ्रिडिया होता है, ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा? नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया होगा। अब आप यहां पर समझ सकते हैं इसके लिए क्या होगा, नेफ्रिडिया। मैं जानबूझ करके ऐसे पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा आपको क्लियर दिखे नहीं, ताकि आप बस उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। तो एनेलिडा में नेफ्रिडिया, इंसेक्टा में हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की। किसकी बात किया था? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। आप लगातार मेरे साथ बोलते रहें, क्योंकि जितनी बार आप प्रोलेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यहां पर मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इसका होगा। प्रॉन की बात करते हैं तो क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस के लिए क्या था, क्रस्टेशियंस के लिए ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स या फिर एंटीनल, एंटीनल ग्लैंड्स, है ना, एंटीनल। तो इस तरीके से क्रस्टेशियंस के लिए आपको याद हो गया। फ्लैटवर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, फ्लैटवर्म या फिर प्लैटिहेल्मिंथीज के लिए फ्लैम सेल्स होते हैं, फ्लैम सेल्स होते हैं। तो उस चीज को अब चारों ऑप्शंस में हम बार बार रिवाइज करेंगे, अब हम उल्टा चलेंगे। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स किसके लिए, अब ए ऑप्शन अगर आप देखें तो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स किसके लिए होगा, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है इंसेक्टा के लिए, आपको पता है ये इंसेक्टा के लिए होता है। फ्लैम सेल्स प्लैटिहेल्मिंथीज के लिए होता है। अब अपने आप आंसर निकाल सकते हैं। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया किसके लिए होगा, नेफ्रिडिया एनेलिडा के लिए होता है, बार बार आप बोलते रहिए। ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनल ग्लैंड्स किसके लिए होता है, क्रस्टेशियंस के लिए होता है, बार बार आप बोलते रहिए। फ्लैम सेल्स किसके लिए होता है, एक बार फिर से बोलिए। फ्लैम सेल्स किसके लिए होता है, प्लैटिहेल्मिंथीज के लिए होता है। ग्रीन ग्लैंड किसके लिए होता है, क्रस्टेशिया के लिए होता है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स किसके लिए होंगे, इंसेक्टा के लिए होंगे। नेफ्रिडिया किसके लिए होगा, नेफ्रिडिया होगा एनेलिडा के लिए। इसी तरीके से बार बार आप चारों ऑप्शन में बोलिए और उसके बाद अपने आप आपको मैच हो जाएगा। जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार याद होगा, क्योंकि यहां पर आपसे अच्छा क्वेश्चन बनाना है आपको। क्योंकि अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपने एग्जाम में सही कर दिया तो विश्वास मानिए आपकी रैंक अच्छी आएगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम करने के कई तरीके हैं। कई बार लोग कहते हैं एनसीईआरटी के पास कंटेंट कम है, बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसको दूसरे चैप्टर से लिंक करके दे सकते हैं। तो हमारे पास अर्थवर्म है, अर्थवर्म एनेलिडा का मेंबर, और उसके पास क्या है, नेफ्रिडिया। तो आपके लिए सी ऑप्शन पे अगर आप फोकस करें तो देखिए नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया किसका ऑर्गन, अर्थवर्म के लिए हो सकता है, एनेलिडा के लिए हो सकता है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स किसके लिए, सेंटीपीड के लिए हो सकता है, क्योंकि ये इंसेक्टा के मेंबर्स के लिए हो सकता है। ग्रीन ग्लैंड्स किसके लिए होता है, क्रस्टेशियंस के लिए होता है, यानी प्रॉन के लिए भी हो सकता है, क्रैब्स के लिए भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप ग्रीन ग्लैंड्स, क्रस्टेशियंस और क्रस्टेशियंस के एग्जांपल्स को आप याद रखने की कोशिश करें। फ्लैम सेल्स प्लैटिहेल्मिंथीज या फ्लैटवर्म्स के लिए हो सकता है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप
अब से पहले जो AIPMT का जो चैप्टर वाइज जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोशिश करिए कि 2005 से पहले के क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन 2006 से पहले के, 2006 से पहले के जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी NCERT पर बेस्ड है, उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन 2006 के बाद के जितने क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करिए, चारों ऑप्शंस को इसी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करिए। चौथा ऑप्शन ए किससे लिंक्ड है, ऑप्शन बी किससे लिंक्ड है, ऑप्शन सी, तो इस तरीके से आप देखेंगे एक क्वेश्चन चार क्वेश्चन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर आप ऐसे रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं।